हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, इट्स मी ज़िदान, मम्मा की जान, होप यू आर डूइंग गुड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या बोलते हैं, सब खैरियत? तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन बिरयानी, मम्मा की स्टाइल, मेरी स्टाइल में। सुन के मुंह में पानी आ गया। तो चलो आओ शुरू करते हैं। बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हम लोग सब मिलके मिलके बनाएंगे, उसके बाद में मिलके खाएंगे और आप सबके शेयर करेंगे। आप लोग भी खाइए, बनाइए। मुझे एक और एक बात बोलना है कि जब मैंने मटन ग्रेवी बनाया है उसमें कमेंट्स आया है कि कुछ भी नई रेसिपी आप शेयर करते हो तो ज़िदान को साथ में ले लिया करो। तो ये बताना है कि ज़िदान को बहुत होमवर्क मिला है, फिर भी आप लोग की रिक्वेस्ट पे मैंने ज़िदान को अपने साथ के साथ उसके पापा फ्री बिरयानी मैं बना रही हूँ और तुम ना रहो तो प्याज लगता है, कितना टमाटर लगता है, वो सारी चॉपिंग मैं करता हूँ। अभी प्याज की चॉपिंग तो कर दिए लाऊ, अभी आप लोग के सामने मैं टमाटर की चॉपिंग करूँ। पर तुम्हारा भाई प्याज चॉप कर रहा था, वो मैं बहुत रही थी, बहुत रही ना ज़िदान। सबसे पहले तो 2 किलो प्याज, ये तुम्हारे भाई ने मुझे काट के दिया है, पिसा हुआ गरम मसाला, इसका वीडियो मेरी आईडी पे मौजूद है। 3 तेज पत्ता, दालचीनी, चक्रीफूल, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, हरी इलायची, ज़ीरा, शाहज़ीरा, दूध में केसर को भिगा के रखी हूँ मैं थोड़ा कि उसका कलर हो जाए, 1/2 किलो हरा मसाला, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और कोथमीर का पेस्ट है। इसकी रेसिपी मेरी इसके आईडी पे मौजूद है। हाँ, यूट्यूब चैनल मौजूद है। 2 किलो मटन से मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, 1 किलो दही, 2 किलो बासमती चावल, 2 किलो टमाटर, 20 की कोथमीर, 20 का पुदीना, ये 2 नींबू, हरी मिर्च, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 किलो आलू, 1 किलो आलू, ये 10 मिर्ची है। मतलब आप लोग देख रहे हैं इतने सारे इंग्रेडिएंट्स है, इतना सब कुछ लगता है और फिर इसको मिक्सर है वगैरह, मतलब थोड़ा है, थोड़ा मामला है, बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब बनता है और आप लोगों को मालूम है कि बिरयानी कितनी फेवरेट है, लगभग सबकी फेवरेट ही होती है, अच्छे अच्छे ओकेजन्स में ही बनती है, तो ये वाली जो इसकी स्टाइल में ना बिल्कुल आप लोग ट्राई करना, बहुत मजा आएगा। इसके स्टाइल से बनाओ, जल्दी बन। तभी डेक्ची गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नहीं जाएगा, कम से कम 5 चम्मच जाएगा, ये बड़े वाले थोड़ा ही। अच्छा, डेक्ची के मुकाबले में थोड़ा है वो। ये भी तेल गरम कर दियो, मैंने लगभग 1 किलो तेल लिया है और उसे अच्छे से गरम कर लिया। तो अभी ये 2 किलो प्याज है, अभी आधा प्याज हम बिरिस्ता बनाएंगे और आधा प्याज बिरयानी के लिए यूज करेंगे। ये भी तेल गरम हो चुका है, अभी हम इसमें बिरिस्ता बना देंगे। तो ये अभी थोड़ी प्याज रखी मैंने, इसका बनाएंगे कचुम्बर। प्याज टमाटर दो प्याज काटो, इसमें प्याज टमाटर मिर्ची कोथमीर नींबू नमक, ये आलू को मैंने काट के पानी में इसके लिए रखा है क्योंकि सबको पता होगा, तुम लोगों को नहीं पता है, कभी लाइफ में मेन लोग कुकिंग करते हैं तो उन लोगों के लिए टिप्स है। हाँ, तो पानी में रखेंगे तो आलू काला नहीं होता, ठीक है? अभी हमें पानी में रखेंगे तो आलू कालू नहीं होता। तो अभी ये प्याज लाल हो रही है, इसके साथ साथ हम आलू भी फ्राई कर लेंगे। तो प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अभी हम इसमें डालेंगे अखा गरम मसाला, थोड़ा शाहज़ीरा, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा लौंग, हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, चक्रीफूल और ये क्या है ज़िदान, दालचीनी। ज़िदान सोच में पड़ गया, नहीं मैं क्योंकि पूछने वाला था कि सब आधा क्यों डाल रहे हो, तेज पत्ता और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे ज़ीरा। अभी ये जो बच गया है ना, अभी मैं जब चावल बॉइल करूंगी तो उसमें डालूंगी।
नहीं ये लोग ना एकदम, मैं दाल रही थी ना बोलती जा रही हूँ, एकदम खो के सुन रहे थे। तो ये मेरा दुपट्टा ना हरे मसाले में जा रहा है, तो तुम्हारे भाई के चलते पकड़े हैं। नहीं नहीं पापा खड़े हैं, कैसे जा सकते हैं। तो बस डालते साथ इसे ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस डाले। अभी इसमें हम डाल देंगे हरा मसाला। मसाले में हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। वे मसाले को एकदम अच्छे से भूनेंगे। भूनते वक्त एक चीज का ध्यान रखना, कैसा नीचे लगे नहीं। तो जब तक कि मैं मसाला भून रही हूँ, तो तुम ये टमाटर काट दो। ये टमाटर। और जिदान तुम ये दही को अच्छे से फेंट दो। जो बिरिस्ता की प्याज है बहुत ज्यादा होती है, तो इसको टाइम लगता है। थोड़ी थोड़ी देर से ना इसे चलाते रहने का, सब तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाती है। देखिए मसाला एकदम अच्छे से भून गया है, तेल अलग हो गया है, तो मतलब मसाला भून गया है। फिर डाल देंगे हरी मिर्च। आप लोग जितना तेज खाते हो उतना ले लेना। अब हम इसमें डाल देंगे गोश्त। आवाजदार गोश्त है। हाँ। गोश्त डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और गोश्त के हिसाब से नमक। गोश्त डाल के एकदम अच्छे से इसे भूनना है। बिल्कुल भी नहीं डालना नीचे। ये जब तक कि भून के होगा, जब तक कि तुम्हारे भाई का टमाटर भी कच जाएगा। निकल रहा है देखो। कैसे लगा? ये अच्छी लगी। मैं जो मैं बहुत चीजें संभाल के काम करती हूँ, क्योंकि मतलब लग जाता ना तो मुझे बहुत दर्द होता है। तो आप लोग दुआ करा करो और मुझे देख के माशाल्लाह जरूर जला करो, ठीक है? देखो क्या करो, देखा करो, शेयर करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो। माशाल्लाह गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हमें गैस कर दी बंद, साथ में आलू भी फ्राई हो चुका है हमारा, हम इसे निकाल देंगे। और साथ साथ में हमारे जो टमाटर है वो भी चॉप हुए हैं, और साथ साथ में हमारी दही भी जिदान ने फेंक दिया है। और कुछ जब तक थोड़ा मैं ये चला देता हूँ, तुम्हारे हाथ में कुछ लग गया है शायद। हाँ देखिए लग गया है। कर लेते हैं थोड़ा। तुम थोड़ा आराम से तो ये देखो तेल छूट चुका है गोश्त का मसाले का, तो मतलब एकदम अच्छे से भून गया है। तो अभी तुम इसके अंदर ना टमाटर डाल दो। टमाटर डाल दो, ये मैं डाल रहा हूँ। उधर डाल दो इसे। स्टाइल में रहने का, स्टाइल में टमाटर बनने का। अब क्या करें? अब इसमें तो अच्छे से चला दो। तो अभी इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम कुकर की लगा देंगे 3 सीटी। सीटी लगाने के बाद डालेंगे हम इसमें दही। फिर इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि टमाटर का पानी छूटेगा और हमारा गोश्त भी गल जाएगा। इसे ये पूरा मसाला मैंने इसमें डाल दी हूँ। अभी मैं इसकी लगाऊंगी 3 सीटी। तो जब तक ये गोश्त गल रहा था, तो मैंने चावल के लिए पानी भी बॉईल करने लग दिया था। अभी हम ये पानी में डाल देंगे खा गरम मसाला सब, थोड़ी सी कोथमीर, थोड़ा सा पुदीना, अभी हम डाल देंगे इसमें ये सारा चावल। सारे चावल डालने के बाद अभी हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच तेल। तेल डालने के बाद डाल देंगे नमक, नींबू। नींबू डालने से हमारे चावल खिले खिले बन गए। अब ये चावल पक रहा है, इसे पूरा नहीं पकाना है, 1/4 पकाना है, मतलब फिर दम पे रखना है इसे। तो जब तक ये चावल पकता है, तब तक ये देखते हैं हमारा गोश्त गल चुका होगा। हमारा गोश्त तो माशाल्लाह गोश्त गल चुका है और मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज्यादा अच्छी। तो बिरयानी की डेगची में अभी हम इसे पलटी कर देंगे। तो अभी हम इसमें डाल देंगे दही। अभी दही डालने के बाद इसे हमें थोड़ा इसका पानी भी छूटेगा और थोड़ा इसे स्लो गैस पे पकने दे देना है, कम से कम 15 मिनट तक। अभी दही मिक्स करने के बाद 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, नींबू,
क्या हो गया? माशाल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ ऑफिस बोलूंगा, तंदूरी रोटी के साथ खाने बोल रहा। तो ये मैं थोड़ा सा तेल निकाल रही हूँ ऊपर, अपन जब चावल डालेंगे तब उसमें। तो अभी हम डाल देंगे इसमें आलू। अभी आलू डालने के बाद हम डाल देंगे इसमें थोड़ा बेस्ता, थोड़ा कोथमीर पुदीना, थोड़ा पिसा हुआ गरम मसाला। तो अभी हम इसमें डाल देंगे चावल। अभी हम डाल देंगे इसमें कोथमीर पुदीना, थोड़ा बिरिस्ता पिसा हुआ गरम मसाला। अभी ये जो केसर और दूध भिगा के रखी थी अभी ये थोड़ा डाल देंगे इसमें। ये कलर के लिए डाल दें। कलर भी आता है, एक अच्छी सी खुशबू भी आती है। अभी एक और एक चावल की ढेर लगा देंगे। तो अभी चावल के बाद हम डाल देंगे इसमें कोथमीर और पुदीना बिरिस्ता। इस पे डाल देंगे हम पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, केसर वाला दूध डाल दिए। ये पूरा डाल देना। तो अभी ये जो तेल मैंने निकाला था हमारे मसाले का, इसके ऊपर हम डाल देंगे। अब हम डाल देंगे इसमें घी। अभी इसे दम पे रखने के लिए हम फॉइल पेपर से इसे पैक अच्छे से करना है, कहीं से भी हवा नहीं निकले। अभी हम दोनों तरफ से इसे एकदम अच्छे से पैक करते हैं। अगर आप लोग के पास फॉइल पेपर नहीं है तो न्यूज़पेपर भी रख सकते हो। अब हम इसे ढक के इसे 15 मिनट के लिए स्लो आंच पे रख देंगे। तो चलो 15 मिनट हो चुका है। माशाल्लाह देखो, मतलब अच्छे से हमारे चावल खिले खिले पके। तो आ जाओ सर्व करते हैं। और मैं जाता हूँ टेस्टिंग की तैयारी करता हूँ। चलो। ये आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसे ट्रे में क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि जब हम लोग खाने बैठते हैं तो ऐसे ट्रे में ही लेते हैं, तो बच्चे लोग को भी इजी पड़ता है सबको लेने के लिए। तो थोड़ा सा बिरिस्ता ऊपर से डाल देंगे गार्निशिंग के लिए, थोड़ी सी ऊपर डाल देंगे कोथमीर। तो अभी आप लोग को एक चीज ये भी बताना था कि जो कचुंबर बनाते हैं, प्याज टमाटर मिर्ची कोथमीर नींबू और नमक, इसको क्या बोली यार तुमने? रिपीट कर बोली यार। बोलो फिर से, बोलो एक्सप्रेशन के साथ। बोलो फिर से। प्याज टमाटर मिर्ची कोथमीर नमक नींबू। जब भी खाने का रहेगा तब सब चीजें डाल दो, पर उसे मिक्स मत करो। मिक्स करने की वजह से क्या होता है, हमारा टमाटर नरम हो जाता है, प्याज नरम हो जाती है, उस सबका पानी छूट जाता है। तो देखो अभी मैं इसमें सब कुछ डाल चुकी थी, अभी मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूं। खाने से थोड़ी देर पहले, जब आप लोग खाने बैठे कुछ क्षण पहले, 10-20 घंटे पहले कुछ भी हो गया। तुम्हारा कचुंबर मेरे को खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मैं टेस्टिंग करूं तो मेरे मुंह में चल पानी। इतना मैं वेट करता हूँ, इतना तुमको मैं हेल्प करता हूँ ये मेन पार्ट के लिए, टेस्टिंग के लिए। और टेस्टिंग के टाइम पे तुम ये कचुंबर कचुंबर, मेन मुद्दा हमारा हीरो बिरयानी, बिरयानी इज आवर हीरो। तुम ये कचुंबर को हीरो मत बनाओ। एक मिनट, एक मिनट। मेन क्या है ना, बिरयानी तो है पर बिरयानी कचुंबर के बिना अधूरी है। ये कौन कौन मानता है कमेंट्स में? सपोर्टिंग कास्ट, लेकिन हीरो हीरो होता है, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट भी है। चलो ठीक है, इट्स ओके। अरे फिर देखो टाइम वेस्ट करो। धुआं धुआं निकल रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ठीक है, अभी जाएगा गोश्त कैसा मसाले वाला। मसाला नहीं, तो अभी ये जिंदा नहीं, तुम्हारे भाई टेस्ट करेंगे। तुमने ज्यादा मेहनत की है ना, कचुंबर भी डालो। सब कुछ डालो।
चलो अभी मैं एक आंटी जी पूछता हूँ। गोश्त भी अच्छे से गल गया है माशाल्लाह। ये अंदर थोड़ा सा तुम्हारा कचुंबर, ये मिक्स और ये अब बिस्मिल्लाह। बोलो पहले भाई को थोड़ा मुश्किल लगे तो देखो बालू हम वेट। ये तो आवाज वाला गोश्त, गोश्त भी एकदम अच्छे से गल गया है, एकदम हो गया है, एकदम टेंडर। मतलब मैंने ना जब बॉईल करने उंगली से उंगली से उंगली से क्या जैसे हम चावल बॉईल करते एक का नहीं छोड़ के, वैसे मैंने गोश्त भी बॉईल की थी, पूरी तरीके से नहीं की थी, दम पे करने के बाद वो हो गया सब बराबर। मटन बिरयानी की बात ही अलग होती है, जबरदस्त। हर चावल, तुम्हारा मसाला, मटन। ओह मिर्ची भी खा रही हो तुम इतना तेज। देखो जो प्याज का कुरुम कुरुम पन अभी तक के फ्रेश है ना, बाहर तक आ जाएगी। अभी मैं बोल रहा था बीच में तो सामिया ने कुछ टेक्निकल ब्रेक लिया था, तो उस बीच में मैंने तीन चार निवाले खा लिया। मजेदार आलू का टेस्ट भी अच्छे से आ रहा है इसमें, और जो तुमने ऊपर से केसर कुछ डाली थी तुमने, केसर का, हाँ, केसर का भी अलग ही एनहांसमेंट हो गया टेस्ट में, सब परफेक्ट है। और फिर जो तुम्हारा जिस तरह से तुमने जो बोली हो कुछ मिक्स करो तो कुरुम कुरुम टेस्ट भी आ रहा है, तो बहुत मजा आ रहा है। कुछ अलग तरीके से तुम बनाती हो, बिल्कुल ये तरीका आप लोग ये तरीका फॉलो करोगे तो बिल्कुल सेम ऐसी ही बिरयानी बनेगी, और ऐसी बिरयानी बनेगी तो बिल्कुल आप कमेंट में आके इसी वीडियो के बताना कि आप लोग को खा के कितना मजा आया, कितना मजा जो मेरे चेहरे पे आप लोगों को दिख रहा है कि आपको भी उतना मजा आया, बिल्कुल कमेंट में जरूर बताना वापस बनाने के बाद इस वीडियो में आके। मैंने अपना रिव्यू दे दिया हूँ, अभी जिदान अपना रिव्यू देगा, तब तक मैं खाते रहता हूँ। तुम्हें वाला लेना है ऐसे तो नहीं बोलूंगी, बहुत इजी रेसिपी है, बहुत टाइम लगता है, और आप लोगों के साथ शेयर करने में उसका डबल टाइम लगता है, बस बहुत मेहनत से बनती है। तो आप लोग प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और खुद भी बनाओ, अपने घर वालों को भी खिलाओ। तो जैसे बताई हूँ वैसे ही बनाना, स्किप कर करके वीडियोस मत देखना, नहीं तो आप लोग की बिरयानी खराब हो जाएगी, फिर आप लोग मुझे बोलोगे कि हमारी बिरयानी सही नहीं बनी। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना, और जब तक अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखना। बाय मम्मा, चल लव दिस, सबसे परफेक्ट ना, परफेक्ट भी परफेक्ट।